ऑप्शन सेलिंग से पैसे बनाना उतना ही आसान है जितना कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट से पैसे बनाना। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना होता है कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में आपको साल के 6% रिटर्न्स मिलते हैं और यहाँ ऑप्शन सेलिंग से आप हर वीक 2% तक के रिटर्न्स निकाल सकते हो। अगर आपको भी जानना है कैसे, तो इस वीडियो के बाद आप मेरे पिछले 3 मंथ्स के वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे वो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, और आपको पता चल सकता है कि कैसे हम हर हफ्ते 2% तक के रिटर्न्स इजीली निकाल सकते हैं। सो दोस्तों वेलकम टू एपिसोड नंबर 13 और अब हम बात करते हैं अपने इस वीक की स्ट्रेटेजी डिजाइन के बारे में। आइए दोस्तों, 31st of May है, मंडे का दिन है और सुबह के 11:21 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले हमने एक पोजीशन पिछले हफ्ते में प्रॉफिट जो था वो बुक कर लिया है, अभी हम इस हफ्ते के लिए नई पोजीशन बनाने वाले हैं। दोस्तों इंडिया वीक्स आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि 16 के आसपास इंडिया वीक्स आया है, दैट मींस कि वोलेटिलिटी काफी कम है, तो हमें प्रीमियम्स भी काफी कम मिलने वाले हैं। तो इस वीक के लिए मैं कुछ एक अलग स्ट्रेटेजी मतलब सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रेटेजी फॉर 10th of June। यहाँ पे हम कुछ स्प्रेड बिठाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो स्प्रेड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे निफ्टी के 14800 के पुट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेने दो 10th of June की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करीबन मैं करूंगा ये सेल रहेगा मेरा, और मेरे 3 लॉट में यहाँ पे शॉर्ट सेल करूंगा। सो 75 + 150 + 75 225 मेरे क्वांटिटी हो जाएगी, ओवरनाइट पोजीशन रहेगी दोस्तों मेरी, और ये दिखा कितना रहा है 13.90 दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं मेरी पोजीशन में ऐड कर देता हूँ एज वेल एज अभी मैं क्या करूंगा, इसके लिए अभी 3 लाख का मार्जिन लग रहा है 3.5 लाख का, तो मैं क्या करूंगा निफ्टी के पुट भी बाय करूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा 17th of June की पुट मुझे बाय करनी होगी दोस्तों। अभी देखो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, काफी सारे लोग मुझे पूछते रहते सर आप करंट एक्सपायरी में जो मतलब बाय क्यों नहीं करने देता है ज़ीरोधा, है ना। ये देखो यहाँ पे क्योंकि ना ओपन इंटरेस्ट का एक पंगा होता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब ज्यादा न होने के कारण वहां पे हमें बाय और सेल नहीं करने देता है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है अगले एक्सपायरी में काम करना होता है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ 10 मैं यहाँ पे 17 की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे पुट यहाँ पे बाय करनी होगी दोस्तों, तो मुझे बाय करने देगा वो। सो यहाँ पे भी मुझे 225 क्वांटिटी ओवरनाइट पोजिशन है, 8.35 रुपए जो है वो हम मार्केट को दे देंगे। यहाँ पे 3.5 लाख का मार्जिन है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो सीधा मेरा मार्जिन 1 लाख रुपए से कम हो गया। देखो दोस्तों ये भी एक ट्रिक होती है मार्जिन कम करने के लिए। तो 2,33,000 में हमारा ये पोजीशन अभी एग्जीक्यूट होने वाला है, इसमें हम करीबन एक क्लोज टू 1% ही बुक करने वाले हैं। वो भी कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। यहाँ पे हम बुक करेंगे 3,000 रुपीज डिवाइडेड बाय मुझे करना होगा, मैंने जो डिप्लॉय किया वो कैपिटल 233 का इंटू में 100 कर दूंगा, ठीक है। सो क्लोज टू 1% मतलब 1.28% का मुनाफा इस वाले ट्रेड से हम बुक करेंगे दोस्तों। तो इसको मैं क्विकली एग्जीक्यूट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यस पे मुझे क्लिक करना होगा और ये हमारी जस्ट होल्ड कीजिएगा, कुछ तो इश्यू आया है शायद यहाँ पे, मुझे एक मिनट मुझे चेक करना होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। पुट तो हमारी बाय, हाँ जी पुट तो बाय हो चुकी है, सेल वाला ऑर्डर हमारा फंसा पड़ा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ तो इश्यू जरूर हुआ होगा यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं क्या करूंगा मैं इसको रिपीट करता हूँ, शायद यहाँ पे लिमिट में मुझे बायर और सेलर नहीं मिल रहे, बायर शायद नहीं मिल रहे, तो मैं इसको मार्केट रेट पे सीधा एग्जीक्यूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मार्केट रेट पे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो 13.86 पे हुआ, प्रीवियस हमारा ऑर्डर 13.90 का था, 2-3 पैसे का डिफरेंस है, उतना चल जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 13.87 के एवरेज से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी पोजीशन हो चुकी है एग्जीक्यूट। अभी ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको स्ट्रेटेजी डिजाइन करके भी दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं निफ्टी के भी चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, निफ्टी की भी एनालिसिस हम देखते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटेजी क्यों सिलेक्ट की, क्यों मैंने स्प्रेड बिठाया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ चुके हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और ये जो एक रेसिस्टेंस था ये निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है, काफी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, लेकिन ऊपर कितना जाएगा मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नीचे एक रेसिस्टेंस था उसके नीचे के पुट्स में शॉर्ट सेल करा हूँ। ये जो एक रेसिस्टेंस का एरिया आपको दिख रहा है 15,000 के आसपास का एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली अभी मार्केट यहाँ से ऊपर आई है, करेक्शन करने थोड़ी सी नीचे आ सकती है, मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस या फिर सेकंड रेसिस्टेंस तक आके इस तरह से ऊपर जा सकती है। तो मैंने सिंपली क्या किया, सेकंड जो मेरा मतलब रेसिस्टेंस था जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, उसके नीचे के पुट्स को मैंने शॉर्ट सेल कराया दोस्तों।
तो ये आ चुके हैं हम ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। 10th ऑफ जून की मेरी क्या रहेगी, पुट रहेगी। तो इसको मैं एक बार इसको लोड हो जाने दो आप लोग। तो यहाँ पे रहेगा 14,800, कॉल की जगह पे मेरा होगा पुट ऑप्शन। तो पुट को मुझे सिलेक्ट करके इसको मुझे क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। इंस्टेड ऑफ वन हमने कितना किया, 3 लॉट्स को शॉर्ट सेल किया है दोस्तों इस हफ्ते में, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ पोजीशन बुक में, एज वेल एज अगली एक्सपायरी का हमने स्प्रेड बिठाया है। तो 17th ऑफ जून का क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे 14,000 का मुझे पुट बाय कर लेना होगा। तो यहाँ पे पुट ही रहेगा, सेल की जगह पे बाय, लॉट मेरे वही उतने ही रहेंगे 3। इसको मैं कर देता हूँ एड पोजिशन, ठीक है दोस्तों। इसको एड हो जाने दो एक बार आप। और ये जो पोजीशन यहाँ पे थी पिछले हफ्ते की पड़ी हुई, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें पे ऑफ ग्राफ और सारी चीजें प्रॉपर दिखाए। और यहाँ पे ऑफ ग्राफ में आप देखोगे तो ऊपर के साइड पूरा कैप हो चुका है, हमें लॉस नहीं होने वाला है। 96% की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारी होने वाली है दोस्तों इस वाले ट्रेड से। 3,700 का मुनाफा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 1% इसमें से लेने वाले हैं, जो कि 3,000 रुपीज रहेगा। कैपिटल यहाँ पे आपको कम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें कैपिटल ज्यादा लगा है दोस्तों। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना लगा है एक्चुअल में हमें। हम बुक करने वाले हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया 3,000 रुपीज, ठीक है। और हमने 2,33,000 डिप्लॉय किया है, सो इंटू 100 तो 1.28% आ रहा है। सो हम 1% बुक करेंगे दोस्तों इस वाले ट्रेड से। दोस्तों 31st of May ही है, दोपहर के 12:50 हुए है। थोड़ी ही देर पहले हमने एक स्प्रेड जो बिठाया था उसमें मुझे एक छोटी सी मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, तो शायद ये ट्रेड हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा। वो मिस्टेक क्या है पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाते वक्त ये तो देख लिया था कि यहाँ पे मुझे 2.5% का दिख रहा है मुनाफा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अच्छी दिख रही है, इसमें से मैं 1% दैट मीन्स की 3,000 बुक करूंगा। बट एक्चुअल में क्रेडिट मुझे कितना मिला था, 1,293 रुपीज का ही क्रेडिट मिला था। वो क्यों, हमने ऊपर की साइड एक कैप फिक्स करके रखा हुआ था। और अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ में ऊपर देखोगे तो मुझे 1,299-1,300 इतने का ही मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो मान के चलो अगर एक्सपायरी 15,800 के आसपास होती है ना, तो मेरा मुनाफा वहां पे 1,300 पे ही फिक्स है दोस्तों। और मैंने कैपिटल कितना लगा के रखा है, 2.5 लाख का। तो उसके ऊपर सिर्फ मैं अगर 1,300 को बुक करूंगा, दैट मीन्स वो 1% भी नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा कैपिटल पे एप्रिसिएशन हमें कम मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे इस वाली गलती को एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे जो 150 रुपीज का जो भी लॉस हो रहा है, वो लॉस को एक बार मैं बुक कर लेता हूँ। ये मैंने इसको मुझे एक बार एग्जिट कर लेने दो प्रॉपरली आप मार्केट रेट से या फिर लिमिट से देखते हैं। हाँ जी, लिमिट से ले लिया इसने। तो इसको मैंने पूरी तरह से ये गलती एक्सेप्ट कर ली है, जो हमने शॉर्ट सेल करा हुआ था उसको मैंने फिर से बाय कर लिया है दोस्तों। और हमेशा की तरह हम सिर्फ स्ट्रैंगल ही यहाँ पे बिठाने वाले हैं। ये लॉस देखो 123 और 22, ऑलमोस्ट 150 रुपीज का लॉस मैंने बुक किया है। सो हम सिंपली एक स्ट्रैंगल बिठाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 15,950 के ऊपर निफ्टी आए हफ्ते में जा सकती है, और नीचे के साइड ये जो रेसिस्टेंस है इसके नीचे नहीं निफ्टी जा सकती, ये मुझे लग रहा है। तो हम उसके आगे के मतलब ऊपर के कॉल्स और नीचे के पुट्स को शॉर्ट सेल करेंगे। तो बास्केट में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पे बना के ही रखा है दोस्तों, उसको मैं क्विकली एग्जीक्यूट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये मेरी मतलब 15,000 की पुट रहेगी और 15,250 की कॉल रहने वाली है दोस्तों। इसको मैं मार्केट रेट पे शॉर्ट सेल कर देता हूँ। उसके लिए मुझे 1,49,000 का हमेशा की तरह कैपिटल लगेगा। उसके ऊपर हम 3% बुक करने की कोशिश करेंगे, 2% सॉरी। सो 27.10 और 22.70 में मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। 28% की प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, वही 2% का मुनाफा हम बुक करने वाले हैं। क्रेडिट इस बार प्रॉपर मिला है और डेटा भी हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है दोस्तों। पे ऑफ ग्राफ में भी देखोगे आप, मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन देखो हमारा 14,950 और ऑलमोस्ट 16,000 का ऊपर के साइड के ब्रेक इवन है दोस्तों। ग्रिक्स मतलब डेल्टा हमारा 2.54 का डेल्टा है, न्यूट्रल डेल्टा है दोस्तों। और पे ऑफ ग्राफ में भी हम काफी सेंटर में खड़े हैं। मंगलवार का दिन है, 1st of June है दोस्तों, और मार्केट्स ऑलरेडी खत्म होने आए हैं। 3:20 हुए। जो ट्रायंगल हमने कल मतलब डिप्लॉय किया था उसमें करीबन हमें 450 रुपीज का मुनाफा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें मतलब हम पे ऑफ ग्राफ में काफी सेंटर में ही है अभी तक। 30% के प्रॉफिट में है हम, ऑलमोस्ट 500 का मुनाफा भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और डेल्टा भी हमारा अभी तक न्यूट्रल ही है दोस्तों। 2nd June है दोस्तों, वेडनेसडे का दिन है, तो सुबह के 11:45 बज रहे हैं दोस्तों। जो पोजीशन हमने मंडे के दिन डिप्लॉय करी थी उसमें हमें करीबन 1,000 रुपीज का मुनाफा दिखाई दे रहा है दोस्तों।
ऑप्शन पे देखो हम मतलब पे ऑफ ग्राफ में सेंटर में है और डेल्टा हमारा 0.08 है, मतलब बिल्कुल भी डेल्टा हमारा न्यूट्रल है दोस्तों। वेडनेसडे का दिन है दोस्तों, दो सेकंड ऑफ जून है और दोपहर के 1:31 हुए। हमारी पोजीशन 1300 के प्रॉफिट में आ चुके हैं और मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल भी ऐड किया करीबन 2 लाख रुपए का, तो टोटल हमारा अभी कैपिटल जो है वो 4,50,000 होने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2.77 बट वो ज्यादा होने वाला है। देखो कल के दिन मैंने यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन किए और आज सुबह मैंने बाकी का भी फंड ऐड किया, लेकिन ये बैक ऑफिस एक दिन के बाद अपडेट होगा। सो टोटल क्लोज टू 4.5 लाख का हमारा कैपिटल होने वाला है, तो उसका बेनिफिट हम हमारी पोजीशन में उठाने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों। सो हम क्या करेंगे, सिंपली और एक ट्राइंगल यहाँ पे बिठाएंगे दोस्तों सेम उसी स्ट्राइक प्राइसेस का। तो ये मैंने 15,000 के पुट को मतलब 10 जून के यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। शॉर्ट सेल मुझे एक लॉट करना होगा, मार्केट रेट पे मैं यहाँ पे कर दूंगा दोस्तों, उसको एड करता हूँ। एज वेल एज मुझे दूसरी मतलब पोजीशन भी बनानी होगी जो कि मेरी रहेगी कॉल वाली साइड की। सो 15,950 का मैंने कॉल मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको भी मैं शॉर्ट सेल करूंगा मार्केट रेट पे, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं क्विकली अभी एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, जिसके लिए 1.5 लाख और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उतना फंड मैंने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में ऐड कर रखा है दोस्तों, ठीक है ना। सो टोटल 1.5 लाख का ऑलरेडी हमारा पोजीशन था और ये 1.5 लाख क्लोज टू 3 लाख का हमारा पोजीशन अभी बन जाएगा दोस्तों। सो इसको मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ क्विकली, दोनों भी पोजीशन मेरे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी हमें एडजस्टेड रेट हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशन में दिखाना स्टार्ट करेगा। सो देखो क्वांटिटी बढ़ गई और वो 22 हो गया और नीचे वाला जो था वो 18 हो गया। सो देखते हैं दोस्तों अभी ये वाला ट्रेड हमारा कैसे परफॉर्म होता है। 4 जून है, फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो सौदा था मतलब ये जो ट्रेड था वो 2703,000 के प्रॉफिट में आ चुका है दोस्तों। क्वांटिटी हमारी यहाँ पे 150 हो चुकी है और एडजस्टेड रेट जो है वो हमें एवरेज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं दोस्तों ये वाला ट्रेड अभी हमारा कैसे परफॉर्म होता है। दोस्तों 8 जून है आज, मंगलवार का दिन है, ऑलमोस्ट मतलब सुबह के 10:15 बजने वाले हैं और जो पोजीशन हमने पिछले मंडे के दिन बनाई थी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करी थी, उसमें हमें क्लोज टू 4,400 का मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो ये आ चुके हम ऑफस्ट्रा पे दोस्तों, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी जिसमें हमें 1800 और 1072 का मुनाफा हो रहा है। साथ ही साथ हमने फंड एक्स्ट्रा जब ऐड किए 2 लाख रुपए, तो वहां पे हमने एक एडजस्टमेंट करी थी, उसमें हमें 1100 और 300-400 रुपीस का मुनाफा हो रहा है, जो कि क्लोज टू 1.29% का मुनाफा हमारे कैपिटल पे हमें मिल रहा है दोस्तों 4400 का, राइट। साथ ही साथ एक्यूरेसी आप यहाँ पे देखो 90% की दिखाई दे रही है। अगर हम ये पोजिशन गुरुवार तक होल्ड करते तो हमें ये क्लोज टू मतलब पूरा 6,000 का मुनाफा देके जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि गुरुवार के दिन हमें अगले एक्सपायरी के लिए जो पोजीशन बनानी होगी वहां पे हमें प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज वी कैन सिंपली क्लोज द पोजीशन बाय बुकिंग द 1.28% प्रॉफिट ऑफ 4400। सो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इन दोनों पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जिट टू पोजीशन पे मुझे क्लिक कर देना होगा, जहाँ पे हमें मतलब ये मुनाफा बुक करने का मौका मिलेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट, दोनों भी पोजीशन हमारी एग्जिट हो चुकी है दोस्तों, एक 2.95 पे और 8.6 पे हमारा माल चला गया है। सो इसी तरह से इस वाली एक्सपायरी में हमने क्लोज टू 4400 का, दैट मींस कि हमारे कैपिटल पे 1.28% का मुनाफा बुक किया, जैसे हमने ऑलरेडी डिसाइड स्टार्टिंग वाले दिन मतलब पिछले मंडे जो डिसाइड किया था उसी तरह से एडजस्टमेंट हमने करी। जरूरत नहीं थी एक्चुअल में एडजस्टमेंट की, लेकिन हमने हेल्दी वे में एडजस्टमेंट करी, मतलब जो सौदा हमारा प्रॉफिट में चल रहे थे उसमें हमने और एक एक लॉट ऐड करे ताकि हम अपना मतलब जो बेनिफिट है वो बढ़ा पाए दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूँ, या जो भी आपके कुछ डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते में। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।